बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशपाश होंगे। तो जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो बच्चों के मज़े हो गए हैं ख़त्म और शुरू हो गए हैं स्कूल। गर्मी तो वैसे अभी भी ज़ोरों पर ही है, लेकिन स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। तो बस यहाँ उसी सिलसिले में कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह और स्टेशनरी लेने आए थे। अच्छा, यूनिफॉर्म इसलिए लिए कि बच्चों की ग्रोइंग एज है, तो ये 2-3 महीनों में भी जो है ना, कपड़े जो हैं वो कुछ छोटे हो गए हैं। जो पहले साइज़ में थोड़े बड़े थे वो तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन जो पहले ही पूरे पूरे थे ना, वो अब नहीं आ रहे। तो बस यहाँ पे आयज़ा की कुछ चीज़ें ली, शर्ट्स ली थी आयज़ा की, और उसकी शलवार होती है साथ वो ली थी, और इसी तरह अज़ान की 2 शर्ट्स और 2 पैंट्स ली थी, क्योंकि वैसे अज़ान की ग्रोइंग एज है ना, तो इस वजह से उसकी चीज़ें जो हैं वो। अच्छा, तो ऐसे है जो कि जनरली होता भी है कि बच्चों की ना छुट्टियों में रूटीन वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बच्चों की रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई भी थी, ज़ाहिर है छुट्टियों में देर से सोना और फिर देर से ही उठना। लेकिन वीकेंड पे ना मैंने क्या किया, क्योंकि मंडे को इनके स्कूल ऑन हुए थे, तो मैंने क्या किया, वीकेंड पर ना 2 दिन पहले इनकी रूटीन थोड़ी सेट की, यानी इनको जल्दी सुला दिया और जल्दी ही उठा दिया। तो 2 दिन में ये माशाल्लाह से सेट भी हो गए। बैग्स वगैरह इनके मैंने वॉश करवा दिए थे, और साथ ही रात में जो है मैंने इनके कपड़े जो है यूनिफॉर्म्स वो प्रेस कर दिए। तो बस इसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी मंडे की मॉर्निंग में इनका ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करने। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो ख़ुद ही तैयार हो जाते हैं। बस आयशा का हेयरडू वगैरह मैं कर देती हूँ, बाकी बच्चों को ब्रेकफास्ट में मैं जो है वो देती हूँ, क्या कहते हैं, ब्रेड के अंदर कबाब और एग लगा कर, और इसी तरह जो साथ के लिए है मैं इनको बर्गर्स बना देती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं भी देती हूँ इनको जिस तरह देते हैं मोस्टली ख़वातीन, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो आती हैं रेडीमेड बाज़ार से, लेकिन मैं वो बहुत कम देती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको घर का बना हुआ दूँ, जो भी दूँ, ठीक है ना। तो कभी तो ये ऐसे होता है कि मेरे बच्चे सिर्फ फ्रूट्स ही ले जाते हैं और वही खा लेते हैं, और वो बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन यह कि साथ अगर देना हो तो मैं इस तरह से बर्गर्स वगैरह बना देती हूँ। कबाब मैंने पहले से रखे हुए होते हैं बना के वो, या फिर मैं समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें, मेरे बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से इनको देती हूँ। तो बस यहाँ पर इसी तरह से इनका लंच जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ मैंने बर्गर्स के अंदर इनको लगा दिए थे कबाब और अंडे, और ये बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा, साथ मेरी हेल्पर भी होती है। वैसे मैं पहले तो ख़ुद ही सब करती थी, लेकिन अब वीडियो बनानी होती है इसलिए मैं इसको उठा देती हूँ। वैसे ये क्या करती होती थी, रात में ही मैं इससे ना शूज़ पॉलिश करवा लेती थी, बच्चों के सॉक्स वगैरह सेट करवा लेती होती थी। तो सुबह का काम मैं ख़ुद ही करती थी, लंच बनाना और ब्रेकफास्ट मैं ख़ुद ही कर लिया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है इसलिए मुझे इसको उठाना पड़ता है। तो बस इसी तरह यहाँ मैंने लंच बना दिया था, और ये इनके बॉक्सेस में रखती जा रही थी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, वो खुद ही तैयार होते हैं, बस आयशा का हेयरडू जो है ना वो मुझे करना होता है। तो यहाँ मैं इसके बाल बना रही हूँ, और मैं इसके बालों में हेयर पिंस वगैरह लगा रही हूँ ताकि बाल आगे ना आए। अच्छा, मुझे ख़ुद भी बहुत उलझन होती है कि जब आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो आँखों के आगे बाल आएँ, बड़ी इरीटेशन होती है। तो इसी तरह मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसके मैं बाल जो है अच्छी तरह से क्लिप करूँ, ताकि इसकी आँखों के आगे जो है ना वो बाल ना आए पढ़ते वक्त। अच्छा, स्कूल खुलते ही ना साथ ही इनके कुछ रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटिशन्स भी थे, तो बस आयशा उसी सिलसिले में बैठ के इधर कुछ रिवाइज़ कर रही है। तो यहाँ मोहम्मद आज़ान भी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो गए हैं। बैग्स मैं इनके ऑलरेडी नीचे भिजवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे अलाफ़िज़ किया बच्चों ने, और बच्चे स्कूल चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।